सबको जय मसीह की। सबको हमारे सीएफई फैमिली में सबका स्वागत है। वेलकम एवरीवन। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि ये अच्छा मौका दिया है कि हम साथ में मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें। और खास करके मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया है कि इस वचन को मैं आपके साथ बांट सकूं। और मैं वचन में जाने से पहले मैं कुछ एक छोटी सी सिंपल सी बात करना चाहता हूँ। बाइबल से ही है। हम 5 मिनट में, 5 से 6 मिनट लूंगा, उसके बाद हम कलाम में जाएंगे। हमने बाइबल में एक लड़ाई के बारे में बहुत पढ़ा है। हमने चर्चों में भी बहुत पढ़ा है उस लड़ाई के बारे में। अगर हमारे साथ बच्चे भी हैं, बच्चे ने संडे स्कूल में भी इस लड़ाई के बारे में बहुत सीखा है। और उनके इस लड़ाई के बारे में इसका हमने गाना भी बना हुआ है, तो बच्चे उसके एक्टिंग भी करते हैं। और उस लड़ाई का नाम है दाऊद और गोलियत। सब लोग दाऊद और गोलियत की पढ़ा लड़ाई के बारे में सब जानते हैं कि गोलियत एक बड़ा सा मजबूत इंसान था, बहुत जोरावर था, ताकतवर था। तो उसने इज़राइल के साथ, जो गोलियत है, गोलियत ने इज़राइल के साथ लड़ाई करने का कि मेरे साथ लड़ाई करो, और अगर तुम हार जाओगे तो आप हमारे साथ मेरे साथ आधीन होना है, हमारे साथ आधीन होना है। अगर बोलता है कि अगर मैं हार गया तो मैं और मेरे लोग तुम्हारे साथ आधीन हो जाएंगे। तो सब लोग हम जानते हैं कि उसके बारे में कि दाऊद वहां पे छोटा लड़का था, इतना बड़ा नहीं था। वहां पे वो आता है और वहां पे जो राजा है उसको बोलता है कि मैं उनके साथ लड़ूंगा। हम सब ये कहानी जानते हैं। तो वहां का जो राजा है, साउल राजा है, और साउल राजा उसे बोलता है कि तू नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो देखता है कि ये तो छोटा लड़का है। लेकिन दाऊद मानता नहीं है और वहां से 5 पत्थर उठाता है और उसके हाथ में जो गोफन थी वो गोफन लेके निकल जाता है, और 5 पत्थर में से एक पत्थर लेकर वो गोलियत को मारता है और वो गोलियत नीचे गिर जाता है। वो सभी हम ये कहानी को जानते हैं। और गोलियत जब नीचे गिर जाता है तो उसको मार देता है। यहाँ पे मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को भी सवाल कर सकते हैं कि उसके बारे में आप सोचिए, जो ये कहानी है उस कहानी के बारे में सोचिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिद्ध हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है, गुनाह नहीं किया, क्योंकि मैं भी कोई अच्छा सिद्ध नहीं हूँ। मैंने भी बहुत कुछ ऐसा काम किया है। मैं भी कभी गिरा हूँ, मैं भी कभी इन मुश्किलों में पड़ा हूँ, लेकिन उसमें से मैं उड़ता हूँ और गिरता भी हूँ, उड़ता भी हूँ, और खुदा मुझे वहां से खड़ा करता है। तो आज अब मैं एक सवाल सवाल यह है कि दाऊद और साउल दोनों एक ही कंट्री के थे, एक ही देश में बड़े थे, और दोनों का ज्ञान, शिक्षा वगैरह सभी एक ही था। लेकिन हम देखते हैं कि वो मूसा की जो शिक्षा थी, वो मूसा की शिक्षा से भी वो व्याकिप्त थे। वो लोग ने मूसा की शिक्षा भी पढ़ी हुई थी और सेम कंट्री में रहते थे। वो अन्य जातियों के साथ वो संगति भी नहीं रखते थे। सेम बाप्तिस्मा हुआ था मूसा के टाइम में, जो ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा के टाइम में बाप्तिस्मा होता था। तो कहना ये चाहता हूँ कि दोनों एक ही खानदान के थे, इब्राहिम के खानदान के। लेकिन और दोनों में मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना फर्क था कि एक इतना डरपोक था और एक इतना बोल्ड, यानी कि मजबूत था। एक इतना मजबूत क्यों था? हमें ये सवाल करना है, हमें ये पूछना है, हमें अपनों कि एक इतना डरपोक था। दोनों का टीचिंग सब कुछ सेम था, लेकिन एक डरपोक था और एक इतना
मजबूत क्यों था। एक एक कहता है कि मैं इन इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता हूँ, मैं नहीं लड़ सकता हूँ। उनका मन कच्चा था, कच्चा हो गया था, और उसके इसके उसने मान लिया था कि मैं इस जायन बंदे के साथ लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, ये गोलियत के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, कि गोलियत को मैं मार नहीं सकता हूँ। और उसने साउल राजा ने वहां पे वो भी तय कर लिया था कि इस गोलियत को जो मारेगा उसको मैं अपनी बेटी का ब्याह कराऊंगा, शादी कराऊंगा, और बहुत कुछ इनाम रखा था। तो वहां पे दाऊद भी उसी खानदान का था, उसी शिक्षा थी, लेकिन वो इतना बोल्ड था। इब्राहिम, वो भी इब्राहिम का बेटा था, लेकिन जहां दोनों रहते थे वो जगह भी सेम थी, एक ही परमेश्वर को जानते थे, एक ही परमेश्वर के पास से आते थे, पर क्यों एक इतना वीक था और एक इतना मजबूत था? हमें ये देखना है क्यों एक इतना कमजोर था और एक इतना मजबूत था, उसका रीजन क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि उन दोनों का फर्क, जो फर्क था, जो सोचने का फर्क था, जो देखने का फर्क था, वो अलग था। इन दोनों का देखने का नजरिया अलग था। आज हमारे चर्चेस में, हमारे मसीह भाई बहनों में भी हम देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं कि बहुत मजबूत होते हैं, और कई लोग बहुत कमजोर भी होते हैं। हम देखते हैं हमारे चर्चों में, हम कहीं गांव में होते हैं, कहीं हमारी मंडली में होते हैं, तो कोई कोई बहुत मजबूत होता है, कोई कोई कमजोर होता है। तो आप जानते हो कि इंसान के रियल कमजोरी क्या है। हमारी जो रियल कमजोरी है, हमारी तकलीफ है। जब हमारे पास तकलीफें आती है तब हम कमजोर हो जाते हैं, उसका मन दब जाता है। जब हमारे पास तकलीफ आते हैं तो हमारा मन दब जाता है, तकलीफों में हम डूब जाते हैं कि ये जो परिस्थिति आई है, तकलीफ आई है, हमें ये डुबा के ले जाएगी। मैं ये आज आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी अभी परिस्थिति हमारे आसपास बीत रही है, जो महामारी, जो इतनी बड़ी महामारी है, क्यों मैंने ये दाऊद और गोलियत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गोलियत इतना मजबूत आदमी था और दाऊद इतना छोटा आदमी था। तो आज जो भी हमारे आसपास जो महामारी चल रही है, जो भी तकलीफें आई है, वो हम सोचते कि वो बहुत बड़ी है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु की हम बात करते हैं कि जब प्रभु यीशु आयर के साथ जा रहे थे उनके घर पे, तब रास्ते में एक आदमी आके बोलता है कि अभी उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेटी तो मर चुकी है। वहां पे प्रभु यीशु ने बहुत अच्छी बात की है आयर से। वो जो बाद में बोल रहा था उनका उसने सुना नहीं, उसको उनको ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वो आयर को क्या कहता है, मत डर, मत डर, पर तुम केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। तो आगे जाके हम देखते हैं तो वो बेटी मुर्दों में से जिंदा हो जाती है। लोगों, आज मैं वही आप लोगों को सवाल करना चाहता हूं कि अपने आप को इस सवाल का जवाब आप पूछिए, जरा सोचिए आपका फोकस क्या है। क्या आपके फोकस में, आपके अंदर में कौन है, साउल है या दाऊद है? साउल एक कमजोर व्यक्ति था और दाऊद एक स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत व्यक्ति था। दोनों का एक ही परमेश्वर था, एक ही जगह सब कुछ था, उनका टीचिंग वगैरह सब कुछ, लेकिन दोनों में इतना फर्क था, क्योंकि एक इतना इतना कमजोर था और एक इतना स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। जानते हैं क्यों? आप सब लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि साउल ये सोच रहा था, जब ये लड़ाई गोलियत ने ऐलान किया था, तो जो राजा साउल राजा था वो ऐसा सोच रहा था कि इस बंदे से मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो यहाँ पे हमें देखना है, जानना है कि क्यों इस दोनों में फर्क है। साउल की सोच क्या थी कि मैं इस बंदे से नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन दाऊद क्या कहता है कि उनके दाऊद की जो सोचने की जरिया थी, उनके
सोचने का जो तरीका था कि ये बंदा मेरा खुदा से नहीं लड़ सकता है, ये बंदा मेरे खुदा से नहीं लड़ सकता है। तो हमारे हमारे भी, लेकिन जो दाऊद ने सोचा था कि दाऊद ये सोच रहा था कि ये बंदा खुदा से नहीं लड़ पाएगा, तो हमारे अंदर भी हमें ये सोच डालनी है। हमें अभी जो भी परिस्थिति चल रही है, ये दोनों का सोचने का जरिया था, उनके सोचने के तरीके थे। जब हमारे ऊपर भी जब तकलीफें आती है, जो वो कहीं लोग परेशान होते हैं जी, हमारे प्रॉब्लम पे, हमारे हमारे मुसीबतों पे हमारा जब हम हमारा ध्यान जाता है कि हम अपने आप को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर निर्भर होता है वो इसके, ये हमारे आसपास की जो परिस्थिति है उनके साथ फाइट कर सकते हैं। जैसे दाऊद ने, दाऊद की नजर कहाँ थी, फोकस कहाँ था, परमेश्वर के ऊपर था। आप उनको इतना स्ट्रोंग, इतना स्ट्रोंग था वो दाऊद, इतना स्ट्रोंग था, और हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर से, परमेश्वर की मदद से वो आगे भी बढ़ा। आज हम आपके ये पूछना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि आपकी चिंता आप पर एक बोझ हो जाती है। जब हम चिंता करते हैं तो ये चिंता हमारे ऊपर एक बोझ बन जाती है। आपकी चिंता एक बात का सबूती है कि आप खुद पर निर्भर हो। जब हम खुद पर चिंता करते हैं, सोचते हैं कि, तो उनका जो हम खुद पर सोचते हैं तो ये हमें बताता है, ये साइन है कि हम खुद पर निर्भर है, हम खुदा पे निर्भर नहीं, हम खुदा को देना नहीं चाहते। लेकिन दाऊद के, दाऊद ने जो देखा, दाऊद के समान हम अगर रहेंगे तो हमेशा सफल पाएंगे। जो दाऊद ने सोचा था वो तो हमेशा हम सफल पाएंगे। सोचिए गोलियत क्या, आप जानते हो कि गोलियत एक पत्थर से ही मर गया होगा। हम जानते हैं दाऊद ने पत्थर मारा वो गिर गया, लेकिन वहां पे परमेश्वर का हाथ था, क्योंकि दाऊद की नजर, दाऊद की सोच, दाऊद का सब कुछ परमेश्वर के ऊपर था। दाऊद की, दाऊद ने जब भी बोला था कि ये, दाऊद ने कहा कि ये बंदा मेरे खुदा से नहीं लड़ सकता है, तो जो दाऊद के अंदर था वो आज हमारे अंदर भी होना चाहिए। जो ये इतनी बड़ी परिस्थिति आई है, जो भी हमारे साथ आसपास जो भी आया है, हमें उस पर नहीं ध्यान देना है। अगर हमारी चिंता हमारे आसपास की जो भी कई, हमारे पैसे की परेशानी है, हमारे कोई बीमारी है, तो हमें उस पर नहीं ध्यान देना है। हमें दाऊद के जैसे, हमें हमारी आंखें प्रभु पे लगानी है, ईश्वर पे लगानी है, तब हम ये हमारे अंदर सफलता देख सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी बदल जाती है जब इंसान अपनी सोच को, सोच के अंदर खुदा को रखता है, परमेश्वर की, परमेश्वर को हमारे सोच के अंदर रखे है, तो हमारी जो हमारी परिस्थिति है, हमारे आसपास जो भी मुश्किल है वो बदल जाएगी। और अगर हम खुद पर निर्भर रहेंगे तो हम डूब जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ इस परिस्थिति में। और जो सुलेमान राजा ने नीति वचन 4:23 में बोला है, वो बोलकर फिर हम अपने मैसेज में जाएंगे। हमें पढ़ता हूँ जो सुलेमान ने लिखा है नीति वचन प्रोवैब 4:23 में, सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रह, क्योंकि तेरे विचार जीवन के नियंत्रण में, तेरे विचार जीवन को नियंत्रण में रखते हैं। तो यहाँ साउल राजा के, सुलेमान क्या कहता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपने विचारों के बारे में सावधान रहे। तो हम जो विचार करते हैं वहां से, जो हमारे अंदर जो सोच आती है वहां से हमारी अंदर जिंदगी बदल जाती है। अगर हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे ध्यान जो प्रभु पे ऊपर होगा, ईश्वर पे होगा, तो हमारा जो जीवन है वो पूरा बदल जाएगा, हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। जैसे दाऊद तो छोटा लड़का था, एक शेपर्ड था, लेकिन इतने बड़े जायंट को उसने मार डाला। तो ये महामारी भी हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस बस खुदा पे रखना है। ये शैतान का काम है कि हमारा ध्यान हटाना चाहता है, लेकिन हमें आज इस महामारी में
परमेश्वर के साथ चिपक के रहना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। आइए हम दुआ करते हैं। और हमारे आज का जो मैसेज है, मैंने आज का मैसेज मैथ्यू चैप्टर 20 जो लास्ट में गुजराती में पढ़ा उसमें से लिया है, बहुत अच्छा लिखा है परमेश्वर के राज्य के बारे में। तो आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं और शुरू करते हैं। परमेश्वर हम तमाम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे दिन के लिए प्रभु, कि आपने इस छोटी सी बात में आपने हमें समझाया कि हमारा ध्यान आपके ऊपर होना चाहिए। और जब हमारा ध्यान आपके ऊपर होगा तो हम सब कुछ सफल हो सकते हैं। परमेश्वर आज का जो वचन है, अभी आगे हम जो वचन में जा रहे हैं, वो वचन को भी आपके हाथों में देता हूँ। और उस वचन प्रभु मेरे अंदर से आपका पवित्र आत्मा बात करे और ये वचन लोगों के दिलों में जाए और ये वचन के द्वारा हमारा जीवन बदल जाए। प्रभु हम इस वक्त को आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। अब हम देखेंगे आज का जो वचन है कि स्वर्ग का राज्य एक जमींदार, यानी कि जो जमीन का मालिक है, खेत का मालिक है, उसके समान है। प्रभु ने बहुत अच्छा कहानी बनाकर हमें ये बताया है कि प्रभु के राज्य के बारे में मैथ्यू हमें बहुत अच्छा सिखाता है। मैथ्यू में हमने पहले चैप्टर से 1-6 में प्रभु जो पर्वती पहाड़ों में जो सिखाते हैं मन फिराने के बारे में, कि मन फिराओ, तो चैप्टर 1-6 में प्रभु जो पहाड़ी पर्वत में जो सीख दिए है तो उसमें हमें मन फिराने के लिए बोल रहा है। और आगे आप देखो मैथ्यू में बहुत अच्छा लिखा है। लास्ट टाइम जानवी खान ने भी बहुत अच्छा प्रीचिंग किया था। और अभी हमें ये जो स्वर्ग का राज्य की बात कर रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य एक जमींदार की तरह है। जैसे ये जमींदार सुबह उठकर उसका एक अंगूर का बाग था, उनके लिए मजदूर ढूंढने निकलता है। अर्ली मॉर्निंग वो निकलता है और जाके ढूंढता है, जो गांव का चौराहा होता है वहां लोग बैठे खड़े रहते हैं जो इसके पास काम नहीं है, तो वहां जाके वो मजदूर ढूंढता है। वहां पे वो मजदूर उनके उनके खेत में लिए ढूंढता है कि जाओ मेरे खेत में काम करो, जो अंगूर का बाग है मेरा उसमें जाके काम करो, मैं आपको एक दिनार दूंगा। तो एक दिनार पे ठहराव कर उसको बेचता है। उसके बाद 3 घंटे के बाद वो 9 बजे फिर वापस जाता है, तो सेम जगह पे वो जाता है, देखता है और लोग खड़े थे, तो उनको भी हम देखते हैं वो 3रे वचन में है कि उनको भी वो वहां बोलता है कि आप इधर क्यों खड़े हो, तो बोलते हैं हम काम ढूंढ रहे हैं। तो उसको भी बोलता है कि जाओ मेरी बाड़ी में जाके, मेरे खेत में जाके काम करो और जो भी उचित होगा वो मैं दूंगा। तो पहले वाले को बोला मैं 1 दिनार दूंगा, अभी 9 बजे गए जब और लोगों को भेजा और बोलता है कि भाई जो भी उचित होगा वो मैं दूंगा। उसके बाद फिर 12 बजे जाता है तो और भी लोग वहां पे होते हैं। 12 बजे जाता है और दो बार फिर और जाता है। वो अभी बीच में काम करने वाले चले गए, फिर सब लोग वहां पे उसको सभी को जो अभी लास्ट में काम करने का दिन में हम काम करते हैं तो लास्ट में हम टाइमिंग होता है, तो लास्ट में 1 घंटा रह गया है, वो 1 घंटा रह गया है फिर भी वो ढूंढने लगता है। लेकिन पहले हम देखेंगे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ढूंढने निकलता है, उसके बाद 9 बजे निकलता है, 11 बजे निकलता है, 12 बजे निकलता है। तो हम देखेंगे मालिक का जो मालिक है वो मालिक हमारा प्रभु का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है। वैसे हमारा ईश्वर भी हमें सुबह से हम जब उड़ते हैं तब से हमें वो ढूंढना निकलना शुरू कर देता है। जैसे इस मालिक ने अगर सोचा वो घर पे बैठा रहा होता कि मेरे खेतों में लोग काम करने आएंगे, मेरे को घर पे पूछने आएंगे तेरे पास काम है, तो उसके बाड़ी में कोई काम करने नहीं आता। इसी तरह हमारा परमेश्वर भी, हमारा ईश्वर जो हमें 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 बनाया है और उसने हमें रचा है, वो
इसी तरह जैसे ये मालिक सुबह सुबह निकला था, वैसे वो हमें अर्ली मॉर्निंग हमें ढूंढता है, हमें ढूंढता है। हमारा परमेश्वर हमारे पास आना चाहता है, हमें ढूंढना चाहता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें वचन दे दिया है। हमें जो हमें उसके बाड़ी में जो उनके खेत में काम करने का जो दाम मिलना है उसने ऑलरेडी दे दिया है। हम पढ़ सकते योहान 3:16 में, जॉन 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत पे इससे इतना प्यार किया कि जो भी उन पे विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं लेकिन अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन कहाँ मिलेगा? इस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस जीवन में, इस धरती पे हम यात्री है, हम प्रवासी है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रभु के खेत में प्रभु हमें 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 ढूंढ रहा है और प्रभु के खेत में हमें काम करना है, और प्रभु ने ऑलरेडी हमें उसका दाम देने का नक्की कर लिया है कि हमें अनंत जीवन मिलने वाला है। जो उस पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। तो प्रभु ने ऑलरेडी जो सुबह मिला था उनको भी उसको दाम देने का, जैसे ये द्राक्षावाड़ी का मालिक ने 1 दिनार देने का बोला था, जैसे प्रभु ने भी हमको ढूंढ कर उसने दे दिया है कि जो भी मेरे बेटे जैसे मालिक दूसरी बार भी जाता है, 9 बजे भी जाता है, तो हमारा प्रभु हमें बार बार ढूंढने निकलता है। जैसे उनको पता है कि उनके जो उनके उसने हाथ से जो बनाए है वो इधर उधर भटक रहे है, वो काम ढूंढ रहे है, मुझे ढूंढ रहे है। तो ऐसे ही मैं अपने जीवन की बात करता हूँ कि मैं भी परमेश्वर को जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ढूंढ कर निकाला है, मुझे उसके खेतों में लेके आया है और मुझे उसने सेम दाम देने का तय किया है। लेकिन हमें क्या करना है? उनके ऊपर विश्वास रखना है। तो इसी तरह ये 9 बजे जाता है, 12 बजे भी जाता है, फिर लास्ट में जब 5 बजे एक घंटा बाकी होता है, वैसे ये मालिक जो खेत का मालिक था वो वापस भी जाता है, तो कई लोग और भी खड़े रहते हैं, तो उनको पूछते हैं कि क्यों इधर खड़े हो, तो बोलता है हमारे पास कोई काम नहीं है। तो वो बोलता है कि जाओ तुम मेरी जो अंगूर की बाड़ी है उसमें जाके काम करो। तो 1 घंटा बाकी है, 1 आवर लेफ्ट, और उसको भेजता है वहां पे काम करने के लिए। तो हमारा परमेश्वर भी, हम यीशु मसीह का एग्जाम्पल देखते हैं, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर जब लास्ट टाइम पे भी वो क्रॉस पे खड़ा था और उसके क्रॉस के आसपास 2 चोर थे, उसमें एक ने उसको नकार दिया, उसको भला बुरा बोला, और दूसरे ने क्या बोला कि मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का बेटा है। लास्ट घड़ी थी, लास्ट घड़ी जिस खेत में 1 आवर बाकी था उस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरने वाला था, लास्ट टाइम था, तब प्रभु ने क्या बोला उसको चोर को कि आज रात तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा, तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। पैराडाइज क्या है? स्वर्ग है। तो हमारा प्रभु भी एंड तक हमें ढूंढता है, हमें ढूंढता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कहीं गुम ना हो जाए, वो अपने खेतों में रखना चाहता है, हमें हमें उससे दूर रखना नहीं चाहता है, और उसने हमें उसकी खेतों का जो दाम है उसने दे दिया है। आज हमें उसके खेतों में क्या काम करना है? उसने हमें मजदूर बनाया है, हमें क्या काम करना है? हमें सोना नहीं है, हमें प्रभु मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। प्रभु ने मरते हुए क्या बोला है कि जाओ बाहर जाओ और मेरे सुसमाचार लोगों को बांटो, मेरा लोगों को मेरे बारे में बताओ कि मैं ही परमेश्वर हूं। यीशु ने क्या बोला कि जाओ सुसमाचार बांटो। तो हमें इस द्राक्षावाड़ी के जैसे ही जो मजदूर काम कर रहे थे वैसे ही हमें इसमें काम करना है। हमें सबको, हमारा परमेश्वर सबको एक जैसा प्यार करता है, किसी को अलग अलग प्यार नहीं करता है कि मैं दारू के रॉबर्ट भाई को मैं ज्यादा प्यार करता हूँ और अनिल को मैं कम करता हूँ, या जानविका को ज्यादा करता हूँ और हस्ती को कम करता हूँ।
ऐसा नहीं है, हमारा परमेश्वर सबको एक तरह से प्यार करता है और सबको एक दाम देने का उसने तय किया है, उनके साथ स्वर्ग में रहने का, उनके साथ हमें स्वर्ग में रहने का हमें उसने दाम नक्की कर लिया है। तो आगे हम देखते हैं, जब ये दूसरे लोग भी आते हैं, जब 6 बजता है, जब जो बाड़ी का मालिक था वो बोलता है कि उसके जो उसका जो कर्मचारी था, हम हमारी लैंग्वेज में हम अभी हम अगर बोलते हैं तो मैनेजर बोलते हैं या कैशियर बोलते हैं, तो यहाँ पे कर्मचारी लिखा हुआ है कि उसके कर्मचारी को बोलता है कि अभी शाम हो गई है और उनको मजदूरों को दाम देने का टाइम हो गया है, तो एक एक को बुलाकर बुलाओ और जो लास्ट में आया था उनको उनसे शुरुआत करना है। तो उनका जो कर्मचारी थे उसने जो लास्ट में आया था, जो 5 बजे आया था, उसको पहले बुलाया और उनको 1 दिनार दिया, उनको 1 दिनार जो पहले वाले को तय किया था वही उसको दिया गया, तो वो लेकर चला गया। जब पहले जो लास्ट में आया था उनको ये दिया, तो लास्ट वाला सोच रहा है, उनके मन में बहुत कैलकुलेशन चल रहा था अभी कि लास्ट वाले को 1 दिनार मिला है तो मैंने तो पूरा दिन काम किया है, तो वो कैलकुलेशन कर रहा था, गणतरी कर रहा था कि इसको 1 घंटे में 1 मिला है तो मैंने तो 12 घंटा काम किया है तो मेरे को तो 12 दिनार मिलेगा। तो वो सोच रहा था, जब उसकी बारी आई, जो पहला था उसकी बारी आई, तो उसको भी उसको 1 दिनार दिया गया। तब उसके अंदर बहुत ही अंदर बातें आई, उसके अंदर जो खचखच थी, कड़कड़ थी, वो निकलने लगी और वो बोलने लगा कि मैं पूरा दिन काम कर रहा था, पूरा दिन धूप में काम कर रहा था, मैंने इतना किया और मुझे भी 1 ही दिनार दिया, जो लास्ट में आया था उसने तो 1 ही घंटा काम किया था, 1 ही 1 आवर काम किया था, उसको भी इतना ही दिया। तो वो कंप्लेन करने लगा, तब जो मालिक था उसने बोला कि मैंने तेरे साथ कोई भी जस्ती नहीं की है, मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने सुबह तेरे साथ जो भी बोला था वो मैंने तुम्हें दिया है। तो आज हमें भी सोचना है इस कहानी के मार्फत, इस कलाम के मार्फत, क्योंकि प्रभु हमेशा कहानी बना के हमको बताता है, क्योंकि ये कहानी हमें समझ में आ जाए और हमें अंदर उतर जाए। आज भी हमारे जीवन में हमें भी सोचना है, हम हमारे कलीसिया में, हमारे चर्चों में, हाँ हम जहाँ रहते हैं वहाँ और कोई भी जगह पे हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को हमें बोलना नहीं कि देखो ये तो अभी आया है हमारे चर्च में और ये इसको इतना मान मिल रहा है, लेकिन हमें किसी को ऐसे बोलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी सबको एक ही दाम देने का तय किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे परमेश्वर की दाहिने बैठने मिलेगा, ऐसा नहीं है और हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिस ये जो मजदूर था, जो पहला मजदूर था उसको उसने जो कंप्लेन की, तो वहां पे उस मालिक ने क्या किया कि तुम्हें जो दिया है वो लेकर वहां से निकल जाओ। तो परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा ही है, इसीलिए परमेश्वर बोलता है जो पहले थे वो लास्ट में हो जाएगा और जो लास्ट में थे वो पहले हो जाएंगे, जो आखिर में आए थे वो पहले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले आया था उसके अंदर कंप्लेन थी, उसके अंदर इतना सारा कंप्लेन थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना काम कर रहा हूं लेकिन मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो वहां पे वो मालिक ने क्या कहा कि जो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे साथ नक्की किया था, जो तय किया था वो मैंने दिया है, कोई जस्ती नहीं की है, मैंने कोई गलत नहीं किया है, और ये लेके तुम यहाँ से निकल जाओ। तो परमेश्वर के राज्य में भी वही है, जब हमारे अंदर कोई ऐसी बातें आती है, तो जो हमने पहले जो कहानी सुनी, जो मैंने 5 मिनट 6 मिनट जो भी बात की, कि हमारी सोच हमें हमारी जिंदगी को बदल सकती है।
हमारे सोच में क्या है। तो हमारे सोच में क्या है, हमारे सोच में क्या रखना है, हमारे सोच में हमें हमारे परमेश्वर को रखना है। और कहीं भी जाए, कोई भी काम करे, हम हमें किसी को ऊंच नीच नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, और हमें प्रभु में सबको एक साथ काम करना है। क्योंकि हमारा प्रभु दयालु है, हमारा प्रभु महान है, क्योंकि वो सबको एक 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 सरखा देना चाहता है, किसी को कम नहीं देना चाहता है, किसी को ज्यादा नहीं देना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाए, परमेश्वर के राज्य में हम काम करते जाए, उनके मजदूर बन के रहे, और हमारे अंदर कोई भी ऐसी कोई कंप्लेन ना हो, और बस हमारा फोकस दाऊद के समान होना चाहिए, हमारा ध्यान दाऊद के जैसा होना चाहिए। बाकी कोई भी हमारे हमारे आगे कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आएगी, कोई भी बड़ी मुश्किल आएगी, तो जब दाऊद ने बोला कि मेरे दाऊद ने क्या बोला कि दाऊद कहता है कि लेकिन दाऊद ये सोचता था कि ये बंदा खुदा के साथ नहीं लड़ सकता, ये बंदा खुदा के साथ नहीं लड़ सकता। तो हमें भी हमारी परिस्थिति को बोलना है, हमारी मुश्किलियों को बोलना है, हमारी बीमारियों को बोलना है, जो भी महामारी है उसको भी बोलना है कि जो भी कुछ भी है, ये गोलियत जितना भी बड़ा हो, लेकिन हमारा परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। हमारे परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, और जो परमेश्वर के साथ रहता है, पर ईश्वर के साथ रहता है, ईश्वर की संगति में रहता है, ईश्वर उनको सफलता देते हैं। तो प्यारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा करे मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये इस कलाम के जरिए आपको कुछ सीख मिली होगी, और मुझे भी सीख मिली, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं भी कोई सिद्ध नहीं हूँ, मैं भी गिरता हूँ उठता हूँ और परमेश्वर मुझे खड़ा करता है, मैं भी इस स्ट्रगल में होता हूँ कभी कभी, लेकिन हमारी आंखें परमेश्वर के ऊपर होती है, तो परमेश्वर हमें खड़ा करता है। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपना सर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपको आपका धन्यवाद करते हैं, हम थकेंगे नहीं प्रभु, कि जो भी आज हमने सीखा है दाऊद और गलियत की कहानी में से, कि हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए प्रभु प्रभु, और जो भी ये दूसरी हमारी जो बाइबल रीडिंग थी आज की, हमारा बाइबल में से हमने जो आज सीखा प्रभु, वो भी हमारे जीवन में हम अप्लाई करें, कि हमें परमेश्वर के राज्य में हमें कैसे रहना है, और परमेश्वर हमें एक सर का प्यार करता है, वो भी हमें मानना है, हम किसी का बुरा नहीं बोलना है, हमें किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, लेकिन हमारी आंखें हमारी जो परिस्थिति है ऊपर नहीं, परिस्थिति के ऊपर नहीं, लेकिन हमारी आंखें हमारा हमारा मन हमारा ध्यान बस परमेश्वर आपके ऊपर रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस सारे खलीसिया को प्रभु, जो भी आज लोग इधर है, जो भी आज ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो भी हमारे जो हमारे खलीसिया है, हमारे चर्च के लोगों है प्रभु, एक एक को प्रभु आप आशीष से भर दीजिए, कि प्रभु हम आपके ऊपर हमारी नजर रहे प्रभु, हमारी दृष्टि हमारी नजर कहीं इधर उधर ना भटके प्रभु, और हमारी नजर बस आपके ऊपर रहे, और हमें आप सफलता बनाए प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को सुनिए और स्वीकार कीजिए, और ये प्रार्थना हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन आमेन।